नमस्कार, रात के 8:50 हुए हैं। दिन भर की तमाम खबरें, क्षेत्र भर में क्या कुछ घटा और शहर में किस तरह की गतिविधियां रही, आइए नजर डालते हैं इस बुलेटिन के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। रामनवमी के पर्व को लेकर शहर में जगह जगह पर झांकियां बनाने को लेकर जगह जगह पर सजावट कर दी गई है। रामनवमी के पर्व को लेकर शहर में जगह जगह पर लोगों ने सजावट करना चालू कर दिया है। हम आपको बता दें कि शहर में सजावट के साथ साथ शहर को अयोध्या की तरह बनाने का प्रयास श्री राम सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। छतरपुर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर और छतरपुर में यातायात नियमों का लोग पालन करें, इसको लेकर अब यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है और शहर में जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है। नवगत यातायात प्रभारी संजय जसवाल शहर में जगह जगह पर चेकिंग अभियान कर रहे हैं और साथ में बीते रात इन्होंने 25 लोगों के चालान काटते हुए लोगों को समझाइश भी दी है कि 3 लोग बाइक पर सवार ना हो। जगह जगह हर चौराहे पे और हाईवे पे लगातार छिंक जा रही है। चेकिंग के साथ साथ लोगों को क्या समझाइश दी जा रही है? लोग समझाइश दी जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल से यहाँ पहली बार चालू हुए हैं, इसलिए लगातार यहाँ पे चुस्त रहकर समझाइश दे रही है कि ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन ना करें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शुभम सोनी। और चलिए इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं ताजा खबर जो कि छतरपुर शहर से है। लगातार बजरंग सेना द्वारा NTPC मांग को लेकर कई प्रकार के अभियान व प्रदर्शन किए जा चुके हैं, जिस पर सरकार द्वारा अभी तक सख्ती नहीं दिखाई गई है। और इसी मांग को लेकर आज फिर से बजरंग सेना द्वारा NTPC की मांग को लेकर के एक दौड़ रैली का आयोजन किया गया। बजरंग सेना के युवक व युवतियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बजरंग सेना प्रमुख रणवीर पटेरिया ने बताया कि उनके द्वारा ऐसे अभियान लगातार चलाते रहे हैं और आगे भी वह तब तक चलाते रहेंगे जब तक सरकार द्वारा उनकी NTPC की मांग को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिए आज भी यह रैली सैकड़ों की तादाद में हमारे बजरंग भाइयों द्वारा निकाली गई है, जिस पर युवक युवतियां मुख्य रूप से नजर आईं। इस प्रकार के इस दौड़ में आज युवक युवतियों के साथ बजरंग सेना की कुछ अलग झलकियां देखने को मिली, जहां सफेद टी शर्ट पहनकर NTPC की मांग को जोरदार प्रदर्शन के रूप में दिखाया। यह रैली छतरपुर शहर के मोटिके महावीर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों तक जा पहुंचेगी। लोगों का संकल्प है कि हम प्रदेश के 1,00,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का हमारा संकल्प है। हम लोग लगातार 2 वर्षों से इसके लिए कार्यरत हैं और रैलियां हम लोग लगातार निकालते रहते हैं। हम लोगों ने मुंडन संस्कार करवाया और भी हम लोग लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब हमारा ये आज दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई है हमारी मोटिके महावीर मंदिर से चौक बाजार तक। हम 500 युवा साथ में दौड़ेंगे, हमारी बहनें भी हमारे साथ दौड़ेंगी और हम लोगों ने ठाना है जब तक युवाओं को रोजगार नहीं दिलाएंगे हम लोग चैन से ना बैठेंगे ना सरकार को चैन से बैठने देंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शुभम सोनी। और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं जो कि शहर से है। झूलेलाल जयंती के अवसर पर सिंधी समाज द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में झूलेलाल की प्रमुख प्रतिमा के साथ में गाजे बाजे के साथ महिलाओं का उत्साह भी सामने नजर आया। छतरपुर शहर में झूलेलाल जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। छतरपुर शहर में झूलेलाल जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस पर्व को सिंधी समाज द्वारा उनके गुरुद्वारे में विविध प्रकार के आयोजन भी किए गए। वहीं शाम के समय नगर के प्रमुख मार्गों से होकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बज रहे धार्मिक गीतों की ढोल नगाड़ों की ध्वनियों से युवक पुरुष व महिलाओं की टोलियां जमकर थिरकती नजर आईं। झूलेलाल के जयकारों से नगर की गलियां गुंजायमान हुईं। वहीं जगह जगह धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। कानपुर से आई भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शुभम सोनी। और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं जो कि बक्सवा क्षेत्र से है।
बक्सवा के सलैया के निवासी स्वामी परिवार, जहां पर अपनी खुशियों के साथ में फसल की नई आगमन की शुरुआत के साथ में उसकी राह देख रहा था, तभी थ्रेसर से काट रहे फसल को 18 वर्ष के कमलेश नाम के युवक की थ्रेसर मशीन में फंसने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत बक्सवाहा के निवासी सलैया कमलेश जब शाम को 4 बजे अपने खेत पर गेहूं की फसल के लिए थ्रेसर मशीन में थ्रेसिंग कर रहा था कि तभी थ्रेसिंग के दौरान अचानक कमलेश की शर्ट थ्रेसर मशीन में फंस गई। मशीन के लगातार चलने के कारण भरसक प्रयास उनके असफल रहे और जिस पर कमलेश नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को जानकारी लगते ही खेत पर पहुंचे, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पर चाचा द्वारा थाना प्रभारी को सूचित किया गया, जहां से थाना प्रभारी ने प्रकरण को दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इसमें कमलेश प्रसाद करके युवक था जो थ्रेसर पर काम कर रहा था, इसकी थ्रेसर में दुर्घटना हुई, उसमें अंदर चला गया तो उसकी मृत्यु हो गई। मामले में मर्ग कायम कर ली गई, मर्ग जाँच में जाँच के बाद जो भी कार्रवाई हुई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे पता लगा कि छोटू भतीजो थ्रेसर में बिद गए, तो हम उतर गए तो का मौका पे ख़त्म ही हुआ, तो लेकिन हम लोग ले आए थे अस्पताल थाने में, तो थाने में डॉक्टर साहब ने अस्पताल में डॉक्टर साहब ने देखो तो वो तो ख़त्म हो गया, बस डॉक्टर साहब ने थाने के लिए लिख दिया, तो हम थाने गए, वहाँ से पुलिस ने पंचनामा वगैरह बना के पोस्टमार्टम चल रहा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शुभम सोनी। चैत्र नवरात्र के आरंभ होते ही सभी धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर लोग एक अच्छी सौगात के साथ नए शुरुआती काम करते हैं। वहीं आज छतरपुर शहर में भी पुलिस लाइन स्थित सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर श्री मंगल मूर्ति में श्री गणेश जी के साथ राम दरबार की प्रतिमा को स्थापित किया गया। नगर के पुलिस लाइन रोड स्थित प्रसिद्ध प्राचीन श्री मंगल मूर्ति सरकार मंदिर में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी एवं श्री राम दरबार की पूज्य मूर्तियों को स्थापित किया गया, जहां सोमवार को नगर में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें आस्था का जन सैलाब मौजूद रहा। वहीं 22 मार्च तक चलने वाले कार्यक्रमों के दूसरे दिन मंगलवार को भी पीठ स्थापना, अग्नि एवं मूर्ति स्थापना के साथ अन्नदिवास व फलादिवास का आयोजन किया जाएगा। इसमें अवध बिहारी पांडे महाकाल महाराज सहित बाहर से पधारे विद्वानों के सानिध्य में उनके कर कमलों से आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का पुण्य लाभ पाने हेतु शहर के सैकड़ों श्रद्धालु यहां पर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। सोमवार को स्थानीय श्री मोटिके महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ दोपहर करीब 12 बजे से यह रैली को प्रारंभ किया गया, जहाँ भव्य कलश यात्रा में 5 दर्जन से अधिक महिलाएँ सिर पर मंगल कलश को लेकर चली। वहीं आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों और डीजो की धुन पर एक और भक्ति संगीत की धुन पर केसरिया ध्वज के साथ वातावरण को अंतर्मुक्त कर दिया। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा आयोजन समिति के सदस्य गण और भारी संख्या में श्रद्धालु भी झूमते हुए नजर आए। मूर्ति सरकार का बहुत पुराना भव्य मंदिर हम लोगों ने निर्माण कराया है जन सहयोग से, इसमें किसी राजनीतिक का कोई सपोर्ट नहीं और सभी जन ने मिल के सहयोग किया। फिर इसमें हम लोगों ने सोचा कि इसमें राम दरबार और गणेश जी की स्थापना कराई जाए, उसी का ये प्रोग्राम है। आज हम लोगों ने कलश यात्रा निकाली है मोटी के महावीर से मंदिर प्रांगण, इसमें पूरे जन ने अच्छा सहयोग किया, फूल मालाएं से भगवान का स्वागत किया और यहाँ पे आके कलश यात्रा समाप्त। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। लगातार पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। इस बुलेटिन में देख लेते हैं दो बड़ी खबरें। खजुराहो, लवकुशनगर और बिजावर से खबरें आ रही हैं, इन खबरों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इस बुलेटिन में देखेंगे लवकुशनगर की खबर को। लवकुशनगर अब जिला बनने के लिए जो है सड़क पर उतर आया है, तड़प रहा है। लवकुशनगर को जिला बनाए जाने की मांग यूं तो काफी पुरानी है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही अब लवकुशनगर के लोगों ने इसे जिला बनाने की मांग तेज कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 2 वर्ष पूर्व जब लवकुशनगर के सिजई आश्रम आए थे, तब उन्होंने लवकुशनगर को जिला बनाने की बात इशारों इशारों में कही थी, लेकिन तब से सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब लवकुशनगर के लोग जिला बनाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इन लोगों ने मंगलवार को शहर में एक बड़ा विशाल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह सहित
स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हम लोग कुशनगर जिला बनाने के लिए यहाँ पे मांग की है। यहाँ पे SDM द्वारा हमने मामा जी को CM के लिए ज्ञापन सौंपा है। कुशनगर जिला बनाने के लिए जनभावनाओं को यहाँ शासन स्तर पे सौंपा गया है। SDM लोकस नगर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचे हमारी क्षेत्र की जनता की आवाज़ जनभावना है। जनभावना की मांग है कि हमारा लोकस नगर जिला बनाया जाए। ये लोकस नगर जिला बनाना है और इसके लिए सभी दलों ने, कांग्रेस, BJP, बहुजन, सभी दलों ने संयुक्त रूप से यहाँ ज्ञापन दिया है। किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया है? ये मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन। अगर जिला नहीं बनता तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों का? ये सभी लोग विचार विमर्श करेंगे। ये पहला दायित्व बनता है जो वर्तमान में सत्ता शासन में बैठे आसीन नेता हैं हमारे भाजपा के। मैं जिला के जो शीर्ष नेता है यहाँ के छतरपुर जिले, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी सत्ता है, वो चाहें तो इस प्रक्रिया को और सरल कर सकते हैं। वो यहाँ की आवाज़ छतरपुर जिला, छतरपुर की आवाज़ वहाँ पहुँचा सकते हैं, लोकेश नगर की आवाज़ भोपाल पहुँचा सकते। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देख लेते हैं जिले की धार्मिक खबरों को। बिजावर और लवकुश नगर से खबरें आई हैं। बिजावर में जहां अजमेर जाने के लिए चादर शरीफ निकाली गई, इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए, तो वहीं नवरात्र का त्यौहार भी बिजावर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें अजमेर जाने वाली चादर शरीफ की। इस मौके पर बिजावर के सैकड़ों लोग सड़कों पर आए, चादर के साथ अपनी दुआएं, अपनी मन्नतें भी अजमेर भेजने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। ये पुरानी परंपरा है बिजावर शहर की, यहाँ से हर साल चादर निकाली जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज का औरस है 806 माह। बिजावर से पठान मोहल्ला से चादर निकलती है हर साल की तरह। इस साल भी मेन मार्केट होते हुए बस स्टैंड होती है ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ बिजावर शहर से। अले सभी लोग, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सभी लोग उसमें चंदा देते हैं। वो शान शौकत से ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ चादर पहुँचाई जाती है बिजावर से। वहीं दूसरी तरफ बिजावर में नवरात्रि का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के देवी मंदिरों में प्रतिदिन सैकड़ों लोग माता के पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र के मौके पर अनेक देवी मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। सुबह से ही महिलाएं पुरुष मंदिरों की तरफ जाते नजर आते हैं। बिजावर में नवरात्र के इस त्यौहार से जुड़ी खबर को देखिए और स्थानीय लोगों को सुनिए। हमारा महान उत्सव है नौदुर्गा। हम लोग व्रत रहते हैं और महादेवी की पूजा करते हैं। यह त्यौहार 9 दिनों का रहता है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म के लोग बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। 9 दिन व्रत रखते हैं सभी लोग। नवरात्रि त्यौहार की खबर खजुराहो से भी आई है। खजुराहो के पश्चिम मंदिर समूह के अंतर्गत मौजूद माँ जगदम्बा के एक प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है और चंदेल कालीन मंदिर होने के कारण इस मंदिर में आने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन सुबह के वक्त पहुंच रहे हैं। ये जगदम्बा देवी का मंदिर है। ये हर चैत मास और अश्विन मास की 9 दुर्गों में खुलता है और हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना करने से हम लोगों के मन को शांति होती मिलती है और हर मुराद पूरी होती है। माँ जगदम्बा का मंदिर चंदेल राज्य से है। यहाँ सदियों से पूजा चली आई है और यहाँ का पूजा अर्चना से यहाँ की मनोकामना पूरी होती है। जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं वो देवी जगदम्बी को समर्पित है और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा 9वीं से 11वीं शताब्दी में करवाया गया था और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी दर्शन करने यहाँ आते हैं को जरूर लाभ प्राप्त होता है। और ये चूंकि पुरातत्व विभाग के अंडर में है पूरा कॉम्प्लेक्स, लेकिन वर्ष में 2 बार जब भी ये नवदुर्गा होती हैं तब सिद्धार्थों के लिए खोला जाता है मंदिर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक दिन पहले गुंडों और मजनों के खिलाफ अभियान चलाया गया था और दूसरे दिन भी ये अभियान जारी रहा। दूसरे दिन भी लगभग आधा दर्जन गुंडों को पकड़कर उनकी परेड कराई गई और उसके बाद फिर उनकी धुनाई भी की गई। कान पकड़कर उठा बैठक लगवाई गई और उनसे इस तरह के अपराध न करने की कसम भी दिलाई गई। इस मौके पर
सीएसपी राकेश शंखवार और कोतवाली टीआई संदीप चौधरी के साथ साथ महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। ये अभियान पुलिस मुख्यालय के आदेश से ही चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो उसी के तारतम्य में अपने यहाँ चल रहा है। भय मुक्त प्रशासन, भय मुक्त गुंडे बदमाशों से छतरपुर में थोड़ा गुंडागर्दी ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। इसमें सबसे पहले तो हमें महिलाओं की सुरक्षा देनी है, उसमें विशेष तौर से किसी भी कोचिंग सेंटर पर किसी भी प्रकार की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाए, चाहे वो कोई भी, नंबर एक। दूसरा, जो हफ्ता वसूली करते हैं गुंडे, उनके भी आज आधा दर्जन बदमाशों का कोतवाली क्षेत्र से जुलूस निकाला गया। बिजावर में भी मजनुओं और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर भी मुख्य बाजार से चौक बाजार होते हुए डाकखाना से बस स्टैंड तक इन अपराधियों की परेड कराई गई और उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के पश्चात लगातार इस तरह के अपराधियों की धरपकड़ पूरे प्रदेश में जारी है। सीएम साहब के दिशा निर्देश पर माननीय डीजीपी महोदय, आईजी साहब सागर और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये जो गुंडे हैं, जो समाज के लिए निरंतर घातक बने हुए हैं, मारपीट, लूट, अड़ीबाजी में जो संलग्न है, ऐसे बदमाश चिन्हित किए गए हैं और उनके बदमाशों की धरपकड़ की कार्रवाई 30 तारीख तक चलेगी अनवरत। इसी क्रम में हमने आज कल शाम को लगभग 10 बजे के आसपास रात में ये लकी उर्फ अकील सनाफ याकूब मुसलमान को 315 बोर कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और उसको आज हमने न्यायालय में हम पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। लगभग अभी तक जो सूचीबद्ध गुंडे हैं, कईयों के खिलाफ हमने 110 किया है, कईयों के खिलाफ 151 किया है, कुछ के खिलाफ फार्म सेक्ट किया है और हमारे अभी जब से अभियान चला है लगभग 10 अपराधियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और हमने चिन्हित कर लिया है और ये सभी अपराधी हम 30 तारीख तक इनको सलाखों के अंदर कर देंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। संविदा कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। संविदा कर्मियों में महिलाओं ने बड़ी संख्या में जुटकर छत्रसाल चौराहे पर महाराजा छत्रसाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उनके नियमितीकरण किया जाए और समान काम समान वेतन भी लागू की जाए। इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों को लेकर महाराजा छत्रसाल से अनुयाय विनय की। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में संविदा कर्मियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है और अपने नियमितीकरण की मांग उठाई जा रही है। महाराजा छत्रसाल के माध्यम से हम लोग ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन एक माह से ये कह रहा है कि हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उनको संतुष्टि आए कि हम लोगों का प्रयास है और हम लोग इतने एक माह से लगातार हड़ताल पे हैं। 21 विभाग के संविदा कर्मचारी यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख कर्मचारी हैं जो संविदा शोषण से परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये संविदा शोषण समाप्त हो और हम लोगों का नियमितीकरण, हमारे नियमितीकरण के और जितने भी निष्कासित कर्मचारी हैं उनकी बहाली को लेकर हम ये मांग कर रहे हैं और हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण आपको जाना चाहिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मेडिकल मोर्चा द्वारा अब अनशन प्रारंभ कर दिया गया है। रोजाना छत्रसाल चौराहे पर धरने पर बैठेंगे लोग और उसके बाद मेडिकल की मांग लगातार जारी है। सभी आयु वर्ग के लोगों, सभी वर्गों, सभी जाति धर्म संप्रदाय से, सभी समाजों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की गई है। पहले दिन नगर के गणमान्य लोग और पत्रकार गण यहां पर धरने पर बैठे। इस धरने में रोजाना सभी अलग अलग संप्रदाय वर्गों से, जातियों समूहों से और समाजों से लोगों को आने की अपील की गई है, जिससे इस आंदोलन को एक बल मिल सके, एक गति मिल सके। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग जगत कई वर्षों से चल रही है। काफी प्रयासों के बाद भी जिले के जनप्रतिनिधि सीएम से मुलाकात की, लेकिन सीएम ने कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया है, जिसके कारण से यहाँ की आम जनता को
छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एकजुट होकर आज से धरना प्रारंभ कर दिया है छतरा चौराहे पर, और यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की विधिवत घोषणा नहीं हो जाती है। खबर दिन भर में, दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ। नमस्कार।